Subscribe and click the bell icon for television updates. इनफैक्ट जब मुझे स्क्रिप्ट आया तो सबसे पहले नेचुरली जब टाइटल पढ़ा तो आप भी क्यूरियस हो रहे होंगे, यू नो, वैसे ही मैं भी क्यूरियस था, इंक्विजिटिव था. तो जब पढ़ा तो समझ आया कि अच्छा ये टाइटल क्यों रखा गया है और ये बताऊं सर थोड़ा बहुत कहानी बता. नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली एक डाउट, एक शक होता है, डाउट होता है किसी के भी, इंसान के भी दिमाग में अगर कोई डाउट आ जाता है, शक आ जाता है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, तो वो शक कहाँ तक जा सकता है, किस हद तक वो डैमेज कर सकता है किसी रिलेशनशिप को. सो इट्स बेस्ड ऑन दैट. देखिए, हम तो ये, मैं पर्सनली तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं कभी भी बिलो द बेल्ट ना जाऊँ. आज तक मैंने जितना भी काम किया ओवर द बेल्ट किया है. तो कोशिश ये हमेशा करता हूँ कि साफ़ सुथरी चीज़ हो, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जितनी अच्छी और जितनी साफ़ सुथरी चीज़ होगी उतनी उसकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगी. जैसे मैं, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मेरा पर्सनल, चश्मे बद्दूर, जो कि आज उसको लगे हुए 40 साल हो गए ना, अभी भी मुझे लोग अभी भी मिलते हैं कि मैंने कल देखी, वो बोलता मैंने परसों देखी. क्यों? बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होती. लेकिन यही चीज़ उसमें अगर गंदगी डाल दो तो वो एक बार आदमी हंसता है, बस उसके बाद खत्म हो जाता है. आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ है हर किसी की, और इसमें यही एक रास्ता है जहाँ पे लोग एंटरटेन होते हैं कुछ देर के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं. तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, कॉमेडी जोन होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान पैसा खर्च कर रहा है, अगर वो टीवी देख रहा है या फिल्म देख रहा है तो वो वसूल होना चाहिए, इंसान खुश होना चाहिए देख करके, रोना नहीं चाहिए. तो मैंने तो शुरू से ही कॉमेडी शोज़ ही किए, तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है. अनुभव तो बहुत ही अच्छा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ फॉर द प्रोजेक्ट. और मेरा रोल भी इसके जिस तरीके का है, कई बार क्या होता है कि फैमिली में बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होते हैं या समटाइम्स उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है. सो मेरा रोल वही है कि मैं बच्चों, मतलब कि मेरी जो बच्ची बनी है उसमें, और फादर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उनको किस तरीके से मैनेज करती हूँ. एंड यस, नाम जैसा है मेरा बाप कौन है, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और कुछ क्या है इस सब्जेक्ट में. तो जैसे साजन जी से बात हुई थी तो आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट डू इट, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा. एंड यस, जाकिर सर के साथ एंड राकेश जी के साथ, मैम, एवरीबडी, हमारी कास्ट बहुत खूबसूरत है और बहुत ही यू नो अपने अपने कैरेक्टर को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा. जब भी माँ बाप बचपन में डांट देते हैं या कुछ ऐसी 6-7 साल की जो एज होती है उसमें बड़ा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इनका बच्चा हूँ कि नहीं. ये मुझे भी महसूस होता रहा काफ़ी सालों तक कि हर बच्चे को होता है, कहीं से मुझे मंदिर की सीढ़ी से या मस्जिद से उठा के तो नहीं लाए थे, डांट देते हैं हर बात पर. तो काफ़ी साल तक ऐसा रहा. फिर जब नहीं तो पैदा हुआ था, देख दादी की बोल तू ही है, अच्छा फिर मैं ही होगा. तो वो एक दौर आता है हर बच्चे के, हर किसी के उसमें, कि शायद इतना क्यों डांटते हैं और इतना क्यों मुझे डपटते हैं. तो ये मेरे माँ बाप असली हैं या मैं इनका बेटा हूँ या बच्चा हूँ कि नहीं, ये 2-3 साल हर बच्चे की लाइफ में आते हैं. तो वैसे ही इस बच्ची की लाइफ में कुछ ऐसा शक आया है, ऐसी दौर से गुजर रही है, गुजर रही है, और इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करती है इन ए फनी वे, ना ह्यूमरस वे, और उसमें एक मैसेज भी है कि बच्चों को थोड़ा संभल के ट्रीट किया जाए, कैसे किया जाए, पर वो हो नहीं पाता है. वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये बातें आ ही जाती हैं जो कि हमारे दिमागों में भी रही. तो इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा लगा और करीब का है और अपने से जुड़ा हुआ लगता है. मैं तो हमेशा जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एज ऑडियंस पढ़ता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि ये फिल्म मुझे दिख रही है और मुझे कैसी लग रही है. मुझे अगर एंटरटेनिंग लग रही है या मूव कर रही है किसी भी वे में, तो मेरा मन करता है कि मैं करूँ. ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि साजन जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये स्टार कास्ट हैं, सब लोग एक्चुअली ऑलरेडी, मैं शायद सबसे आखिर में लॉक हुआ था, तो सब लोग ऑलरेडी जुड़ चुके थे. तो जब पता चला कि ये नामी शख्स सबके सब जुड़े हुए हैं, सो पहले तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी
नरेशन बहुत अच्छी लगी और फिर इनके साथ काम करने का पहली बार मौका मिल रहा है, सो मैं उसको गवाना नहीं चाहता था, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई पिक दिस सब्जेक्ट अप एंड डूइंग समथिंग. आई एम प्लेइंग अ फादर फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने थोड़ा सा आई हैव केप्ट माय सेल्फ अवे के नहीं, बट क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इस स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको दूर कर दिया जाए अपनी ज़िंदगी से. लेट्स जस्ट प्ले अ फादर. मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सारी सीन है जिसमें मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ और पता लगा रही हूँ कि मेरा बाप कौन है. तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है. जो जितनी भी स्टार कास्ट है सब बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं. और जो हमारा डायरेक्टर है साजन सर और जिनका जो ऐप है वो लोग बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही केयरिंग है. तो बहुत मज़ा आ रहा है. आज के टाइम पे जिस तरह से एक्टर्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत ज़रूरी है कि सारे डायरेक्टर्स जो अच्छे हैं, जो अच्छा लिखते हैं, राइटर्स, हर किसी को मौका मिले. तो इस तरह स्टोरी टाइप के जैसे अगर ऐप आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है सबके लिए. और जैसा सर ने बोला था, बच्चों की मनोवैज्ञानिकता पे बहुत कम काम हुआ है. या तो फिर हम बच्चों को बिल्कुल ही बच्चा बना देते हैं जो सिर्फ गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और क्या असर पड़ता है बड़ों का और सोसाइटी का बच्चों के ऊपर, और वो अपने हिसाब से कैसे मैच्योर होकर उसे हैंडल कर रहे हैं. तो ये सब इस कहानी में है. और मेरे ख्याल से ये फिल्म बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी पसंद करेंगे और उनके लिए